नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, फलनों का वर्गीकरण। फलनों के वर्गीकरण पे बात करते हैं। चलिए आ जाइए। जो पहला टाइप ले रहा हूँ ना, मैं ले रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन। डोमेन मीन्स प्रांत के आधार पर। लिखिए प्रांत के आधार पर। प्रांत के आधार पर फंक्शन दो टाइप के होंगे। पहला होगा एक-एकी फलन। फलन इसे इंग्लिश में बच्चों वन-वन फंक्शन कहा जाता है। वन-वन फंक्शन या फिर वन-वन की जगह आप इंजेक्टिव भी कई जगह पढ़ेंगे। इंजेक्टिव फंक्शन ये आपको दिखेगा, वन वन फंक्शन। डेफिनेशन में अभी ले लूंगा, पहले क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं हम। सेकंड मैनी वन, बहु एकैकी। फलन मैनी वन फंक्शन। ये नाम हुआ प्रांत के आधार पर फलन। दो प्रकार के होते हैं, एकैकी और बहु एकैकी। क्लियर है? नेक्स्ट आप लिखें परिसर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। परिसर के आधार पर, परिसर के आधार पर भी फलन दो प्रकार के होंगे। आपके दो फलन होंगे। पहला, तीसरा लिख रहा हूं जिसे मैं एक दो, ये तीसरा लिख रहा हूं, आच्छादक फलन। इसे इंग्लिश में आप ऑन टू फंक्शन के नाम से पढ़ेंगे। चौथा होता है आपका अंतक्षेपी फलन। इसे हम पढ़ते हैं इनटू फंक्शन के नाम से। इनटू, देखो फलन चार हो गए हमारे, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इनटू। इसे कॉपी करें फटाफट। मैं वन वन से स्टार्ट कर रहा हूं। स्टार्ट, अब आप हेडिंग डालें वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन एकैकी फलन। वन वन फंक्शन फलन, इसमें लिखें आप पहला पॉइंट। इसमें लिखें यदि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, भिन्न परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, देखो क्या बोला जा रहा है। प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के परिसर में क्या होने चाहिए? भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होने चाहिए। अगर परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिलेंगे तो हमारा फलन क्या होगा? एक एक ही फलन होगा। देखो फोटो बना के मैं दिखाता हूँ आपको, इसका फोटो बना के देखते हैं हम। जैसे ये एक सेट है ए, ये दूसरा सेट है बी, समुच्चय ए समुच्चय बी। हमारा फलन एफ है समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय ए से समुच्चय बी में। लेट्स से इधर मैंने अवयव ले लिए ए बी सी डी, और इधर कुछ आया 1 2 3 4, ऐसे कुछ आया। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको इससे रिलेट किया, ऐसा कुछ ये फोटो मिल रहा है आपको, ऐसा कुछ फोटो मुझे मिल रहा है। अब देखो मुझे क्या बोला हुआ है, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के परिसर में भिन्न 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 प्रतिबिंब होने चाहिए। हर एक अवयव का प्रतिबिंब जो आएगा ना वो भी भिन्न आएगा, वो भी क्या आएगा, सिर्फ एक ही होगा। मतलब एक का एक से रिलेशन होना चाहिए, वन वन, एक का एक से। जो ये लाइन से हमने एड जोड़ा ना,
वो एक को एक से ही मिलाएगी, एक लाइन एक एलिमेंट से एक एलिमेंट को ही जोड़ेगी, एक से एक का रिलेशन। क्लियर है? एक से एक का रिलेशन हो सकता था बच्चों ये फोटो ऐसा बन जाए, इस फोटो को मैं ऐसा भी बना सकता हूँ। लेट से ये देखो ए बी फंक्शन एफ ए बी सी 1 2 3 4 5, ये देखो ऐसा कुछ, ऐसा भी हो सकता है। अभी भी एक एलिमेंट से ही जुड़ा हुआ है क्या? प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिल रहे हैं सह प्रांत में, परिसर या यहाँ सह प्रांत लिख लीजिएगा आप, यहाँ सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। क्लियर है? इसे आप सह प्रांत कर लीजिएगा। क्लियर है? बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। देखो मान लीजिए मैंने फंक्शन लिखा एफ जो ए से बी में डिफाइन है, जो हमने यहाँ बात की, ए से बी में डिफाइन है। मैंने दो एलिमेंट लिए एक्स वन एक्स टू जो मेरे बिलोंग करते हैं किससे, ए से, एंड एफ ऑफ एक्स वन कोमा एफ ऑफ एक्स टू ये बिलोंग करता है किससे, बी से। मैंने लिखा यदि आपको मिलता है एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, तब आपका एक्स वन बराबर एक्स टू होना चाहिए, सिर्फ यही होना चाहिए, एक्स वन बराबर एक्स टू, सिर्फ ओनली एक्स वन बराबर एक्स टू। यदि आपको ऐसा मिला ना, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर में क्या मिलना चाहिए, एक्स वन बराबर एक्स टू, तब फलन एक एक ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखो मैंने क्या बोला, अब देखो दो एलिमेंट आपने उठाए इधर से, उनके प्रतिबिंब मिले बी में, यदि वो दोनों प्रतिबिंब बराबर आते हैं तो वो दोनों जो प्रांत के अवयव हैं वो भी क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। अगर बराबर नहीं होंगे तो फलन हमारा क्या होगा, बहुएकी, एकएकी नहीं होगा। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो मैंने लिखा मान लो यहां पे x1 इज नॉट इक्वल टू x2, अगर ऐसा हो और तो आपको f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 के इक्वल नहीं मिलना चाहिए, f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 के इक्वल नहीं मिलना चाहिए। ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, हमारे फलन कैसा होगा, एक एक ही होगा। देखो फोटो बना के मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये फोटो बना के आप देखें, मैंने लेट से इसे लिया एफ ऑफ ये तो एक्स वन होगा, एक्स वन एक्स टू ले लेते हैं, एक्स वन एक्स टू, ये मैंने दो एलिमेंट एफ एक्स वन एफ एक्स टू, ऐसा कुछ हुआ क्या? अभी देखो अगर मैं बच्चों बोलता हूँ कि ये दोनों बराबर हों, ये दोनों कैसे हों, बराबर हों, ये दोनों बराबर होंगे तो ये जो दोनों का प्रतिबिंब जाएगा ना वो एक ही पे चला जाएगा क्या? अगर ये दोनों बराबर थे तो ये तो एक ही एलिमेंट मिलेगा ना एफ ऑफ एक्स वन, तो ये दोनों का एक ही पे रिलेशन जा रहा है क्या? हमने क्या बोला था, भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब भी यही है और इसका प्रतिबिंब भी यही है, तो इस फलन को आप एक एक ही तो नहीं बोल पाएंगे ना, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, इन दोनों अवयवों को भी बराबर होना पड़ेगा और ये अवयव उठ के इसके साथ ही चिपक गया, मतलब यही रिलेशन बने, एक का एक से रिलेशन बने। क्लियर है? बात समझ में आई होगी आपको। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं दो एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल लेट से देखिएगा, मैंने फंक्शन को 2x प्लस 1 लिया। अब मुझे सिद्ध करना है कि ये फलन कैसा है, एक ही सिद्ध करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये चीज़ सॉल्व करूँ, ये मैं लिखूँ तो मुझे आंसर में ये मिलेगा, तो मेरा काम हो जाएगा। देखो मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, बस क्या लिखेंगे, एक्स वन डालें, 2x1 + 1 बराबर एफ ऑफ एक्स टू क्या हो जाएगा, 2x2 + 1। क्लियर है? 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बच्चों क्या प्राप्त हुआ हमें, x1 = x2। जैसे ही हमें दिखा x1 = x2 है, हमारा फंक्शन कैसा होगा, एक एक ही, मतलब 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। बात समझ में आई होगी क्या आपको? नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 2 देखें आप,
मैंने लेट से एफ एक्स को लिखा एक्स स्क्वायर आप सोल्व करें एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, मतलब हमें क्या दिखेगा एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर, क्लियर है। आप क्या लिखेंगे इसे देखो, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर बराबर ज़ीरो, तो आप क्या लिख देंगे एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर शून्य। यहाँ से आपको दो रिजल्ट प्राप्त होंगे, यहाँ से दो रिजल्ट एक्स वन बराबर एक्स टू और एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर ज़ीरो, दो चीज़ें हमें मिली क्या। परंतु हमने क्या बोला था आपको, ये सोल्व करने पे सिर्फ ऐसा कुछ मिलना चाहिए, सिर्फ ऐसा कुछ मिलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं, इसके अलावा और भी कुछ मिल रहा है, इसके अलावा और भी कुछ मिल रहा है, तो आपका फंक्शन वन वन नहीं होगा। मतलब ये फंक्शन कैसा आ गया बच्चों आपका, मैनी वन बहु एक ही फलन, क्लियर है। ये फलन हो जाएगा आपका बहु एक ही फलन, क्लियर है। वन वन नहीं होगा, ये कैसा होगा बहु एक ही होगा, क्लियर। लिखें, मैं दूसरा ले रहा हूँ बहु एक ही फलन, करें स्टार्ट। मैनी वन, नेक्स्ट हेडिंग मैनी वन फंक्शन बहु एक ही फलन, क्लियर है, बहु एक ही फलन। अब देखो नाम से ही क्लियर होना चाहिए आपको, मैनी वन, जैसे उसमें वन वन आ रहा था एक अवयव का संबंध एक अवयव से, तो यहां पे मैनी वन बहुत सारे अवयवों का संबंध एक से, क्लियर है क्या। तो आप लिखें फर्स्ट पॉइंट, आप लिखें यहां पे, इसमें पहला पॉइंट लिखें, डेफिनेशन इसकी लिखें, प्रांत के एक से अधिक या ऐसा भी लिख सकते हैं दो या अधिक, एक से अधिक की जगह दो या अधिक अवयवों का सह प्रांत में समान प्रतिबिंब हो। देखो कैसे फोटो बना लेते हैं, ये आपने प्रांत और ये सह प्रांत बना दिया ए और बी, देखिए ए बी सी 1 2 3, देखो क्या बोला हुआ है, एक से अधिक अवयवों का सह प्रांत में सेम प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब एक का प्रतिबिंब भी ये और दो का प्रतिबिंब भी ये, भले ही तीन ये सी 3 से रिलेटेड हो। हुआ क्या, अब आप देखें मैनी वन, ये देखो मैनी वन कई सारे अवयव एक अवयव से जाके संबंधित है, एक अवयव से संबंधित है, उसे क्या बोला जाएगा मैनी वन, क्लियर हुआ होगा आपको। वन वन था जहां एक का संबंध एक से होना चाहिए था, मैनी वन था जहां कई सारों का संबंध एक से होगा। देखो अब यहां पे देखो क्या चीज ये दिखा आपको, क्लियर है इसका। आप अगर मैं ये डेफिनेशन इतनी सी ही है इसकी, यही क्लियर है आपको, मैंने दोनों एग्जांपल दिखा है, आपका रिलेशन वही था। अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू नहीं मिलता है आप क्या सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, आपको यहां से एक्स वन प्लस एक्स वन इक्वल टू एक्स टू बराबर जीरो मिले और इसके साथ में कुछ और भी आ रहा है या फिर यही नहीं मिल रहा है, तो हमारा फलन क्या हो जाएगा मैनी वन हो जाएगा, क्लियर है क्या, ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आप डालें हेडिंग ऑन टू फंक्शन आच्छादक, ऑन टू फंक्शन आच्छादक फलन, इसमें लिखें डेफिनेशन लिख लें, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब हो, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब हो, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब हो लिखा, इसे समझाता हूं मैं। देखो आपको ये देखो इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो बच्चों ये सह प्रांत है क्या इसका,
1, 2, 3 मैंने बोला सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, पर यहाँ पे ये वन का पूर्व प्रतिबिंब दिख रहा है क्या हमें? नहीं दिख रहा है, वन का पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, मतलब ये फंक्शन ऑन टू तो नहीं है। अगर बच्चों यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिख जाता है, ये देखो ऐसा कुछ दिख जाता है, ऐसा कुछ संबंध होता है, देखो हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब आपको नजर आ रहा है क्या? पूर्व प्रतिबिंब आपको नजर आ रहा है हर एक अवयव, मतलब सीधी सी बात है ये सह प्रांत का प्रत्येक अवयव आपका बिजी होना चाहिए, हर अवयव संबंधित होना चाहिए, प्रत्येक अवयव को देखना पड़ेगा, किसी न किसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। फोटो कैसा नहीं मिलना चाहिए? फोटो आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ए बी सी डी 1, 2, 3, 4 ये फोटो ऐसा नहीं दिखे हमें, ये देखो सी को इससे, ये फोटो ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ऐसा कुछ फोटो यहाँ पे ये खाली छूटा, यहाँ पे ये खाली छूटा, मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। डेफिनेशन समझ में आई होगी। दूसरा पॉइंट इसी में स्टार लगा के आप लिख सकते हैं, सीधी सी बात आपका जो परिसर होगा ना बच्चों, आपका जो परिसर होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? सह प्रांत। अगर परिसर सह प्रांत के बराबर है, ये देखो परिसर और सह प्रांत बराबर है, फलन होगा ऑन टू, परिसर और सह प्रांत बराबर नहीं है, फलन ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है बात, समझ में आई होगी। नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, इनटू अंतःक्षेपी फलन। इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो कैसा होगा? इनटू होगा। अच्छा तक नहीं होगा वो कैसा होगा? अंतःक्षेपी, मतलब मैं सीधा सा क्या लिख दूं, परिसर इज नॉट इक्वल टू सह प्रांत। परिसर और सह प्रांत जहां बराबर नहीं दिखे आपको, ये देखो ये तो फंक्शन ऑन टू है और ये फंक्शन कैसा है? इनटू। क्लियर है, परिसर और सह प्रांत बराबर नहीं दिखेंगे उसे हम क्या बोल देंगे? इनटू। क्लियर है क्या बात, समझ में आई होगी। लिखें फटाफट से, फोटो बनाएं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, बढ़े। अब हेडिंग डालें हेडिंग डालें आप, ऊपर दिए गए वर्गीकरण के आधार पर विभिन्न प्रकार के फलन ऑन द बेसिस ऑफ अबव क्लासिफिकेशन फंक्शंस आर फॉलोइंग टाइप या वेरियस टाइप, है ना। इसमें फर्स्ट लिखेंगे एक एक ही आच्छादक फलन, एक एक ही आच्छादक फलन, 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन। देखो इसे प्रतिलोमीय फलन भी बोला जाता है, इसे व्युत्क्रमणीय भी बोला जाता है और इसे एक समान फलन भी बोला जाता है। ये अलग अलग नाम है, इस नाम से अगर कहीं दिखे आपको तो आप समझ जाएंगे कि फंक्शन आपका एक एक ही और आच्छादक दोनों होगा, 1, 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। 1, 1 मतलब एक का एक से संबंध होना चाहिए, ऑन टू मतलब परिसर सह प्रांत बराबर होने चाहिए। क्लियर है क्या? अब इसका अगर हम फोटो बनाएं तो देखो इसका फोटो कैसा दिखेगा आपको, इसका हम फोटो बनाना चाहें, इधर फोटो बना लेता हूं मैं, ये देखो ए बी फलन ए से बी में होगा, लेट से ए बी सी डी 1, 2, 3, 4 एक का एक से संबंध होना चाहिए तभी ये 1, 1 होगा, एक का एक से संबंध है 1, 1 है। क्या सह प्रांत और परिसर बराबर हैं? देखो सह प्रांत का एक भी अवयव खाली नहीं है, मतलब ये कैसा हो गया? ऑन टू हो गया। क्लियर है, ये कैसा हो गया? आच्छादक हो गया और 1, 1 तो ही एक से एक रिलेटेड है। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड, बहु एक ही
आच्छादक, बहुएकी आच्छादक फलन, मेनी वन एंड ऑन टू फंक्शन, मेनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। नाम से आपको क्लियर होगा सहप्रांत के सभी अवयव व्यस्त होने चाहिए और यहाँ से मेनी से एक का रिलेशन निकलना चाहिए। फोटो बना देते हैं अपन। चलिए मैंने लिखा ए बी सी डी 1 2 3। ये देखो मैंने मान लो ए और सी को 2 से रिलेट कर दिया, ऐसा कुछ बना दें। मैनी वन दिख रहा है क्या? मैनी वन, मैनी वन, और तीनों अवयव व्यस्त हैं बी के, तीनों अवयव व्यस्त हैं, तो इस टाइप का फंक्शन कैसा होगा? मैनी वन ऑन टू। बात क्लियर हो रही है आपको? बात क्लियर है? आप वन वन चेक करेंगे, ऑन टू चेक करेंगे, दोनों आ जाता है। वन वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू आया, मैनी वन ऑन टू। तीसरा आप लिखें एक एक की अंतक्षेपी वन वन इंटू, वन वन इंटू फंक्शन। देखो वन वन तो होगा परंतु इंटू नहीं होगा। कैसा फोटो बना सकता हूं? ये देखो ए बी सी 1 2 3 4, ऐसा कुछ रिलेशन आया, तीन खाली छूटा, एक से एक का संबंध है। प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव परिसर के भिन्न भिन्न अवयव या सहप्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित है और ये परिसर का एक सहप्रांत का एक अवयव, तीन खाली बैठा है। खाली बैठा है मतलब ये ऑन टू तो नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा तो ये क्या होगा? इन टू होगा और वन वन है ये, क्लियर है। फोर्थ आपका क्या होगा? बहु एकी अंत सेपी फलन, क्लियर है। आप लिखें मैनी वन इंटू, फोटो बनाना है मैनी वन इंटू का, कैसा बन जाएगा? ए बी सी डी 1 2 3 4 5, ये देखो मैनी वन आ रहा है, फंक्शन मैनी वन है और 1 3 5 खाली बैठे हुए हैं, 1 3 5 खाली बैठे हुए हैं, मतलब ये कैसा होगा? इनटू होगा, क्लियर है। आपको फोटो से समझ में आया होगा ये कैसे आपको करना है, क्लियर है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है ना, मैं आपको वन वन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, वन वन और मैनी वन, वन वन और मैनी वन आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैं सिखाने वाला हूँ। और आपको जो ऑन टू चेक करना है और इन टू चेक करना है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? प्रांत निकालना, परिसर निकालना है और उसको किससे कंपेयर कर डालना है? सहप्रांत से। सहप्रांत आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर वो दोनों बराबर हैं तो आप बोलेंगे ऑन टू, अगर बराबर नहीं है तो आप बोलेंगे इन टू। ये क्लियर है क्या? तो ऑन टू और इन टू चेक करने का सिंपल सा मेथड हुआ आपको सहप्रांत, आपको परिसर निकालना है। और परिसर निकालने पे क्वेश्चन में आपको पहले कई सारे करवा चुका हूँ, परिसर निकालना भी हम आता है, तो परिसर निकालेंगे और उसे सहप्रांत से कंपेयर कर लेंगे। क्लियर है? दोनों बराबर हैं ऑन टू, अदरवाइज इन टू। वन वन और मैनी वन के लिए मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ, क्लियर है। लिखें ये, लिखें एक एकी या बहु एकी निर्धारित करने की विधियाँ। आप हेडिंग डालें, फर्स्ट मेथड मैं ले रहा हूँ। फर्स्ट मेथड हम पढ़ चुके हैं, उस पर बेस्ड मैं 2 एग्जाम्पल भी आपको बता चुका हूँ। मेथड 1, अब क्या करें? देखें आपको फंक्शन दिया जाएगा बच्चों ए से बी में, ए प्रांत होगा और बी सह प्रांत होगा। मैंने माना 2 अवयव मैंने उठाए प्रांत से, x1 x2 उठाए प्रांत से और यहीं से इनके प्रतिबिंब आपको मिलते हैं fx1 और fx2 जो आपके सह प्रांत में होंगे, क्लियर है। अभी मैं बोल रहा हूँ यदि f(x1) बराबर f(x2) ये समीकरण आप हल करते हैं और इसका रिजल्ट यदि आपको x1 बराबर x2 मिले सिर्फ, तब फलन क्या होगा? तब फलन एक एक ही होगा, अन्यथा कैसा होगा? बहु एक ही, क्लियर है।
मेथड वन जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस पर बेस्ड हमने दो एग्जाम्पल भी ले लिए थे। क्लियर है क्या बच्चों? दो एग्जाम्पल भी मैं करवा चुका था, तरीका सेम है, इसको वैसे ही सॉल्व करना है। सेकंड मेथड आप मेथड टू लिखें, मेथड टू आप इसे लिख लें ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब हम ग्राफ बना के चेक करेंगे, मतलब हम ग्राफ बना के चेक करेंगे। लिखें आप एक्स अक्ष के समांतर एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा विद्यमान है। एक सरल रेखा विद्यमान है जो फलन fx के आरेख को कम से कम दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। तब फलन बहुएकी है, अन्यथा एकेकी है। देखो मैं दो फोटो बना रहा हूँ आपको, यहाँ आपको देखना है, ये आपका आरेख बनाने जा रहे हैं। मान लो एक फलन का आरेख ऐसा कुछ मुझे दिखा और एक और आरेख मैं ले रहा हूँ फलन का जो मुझे ये ऐसा कुछ दिख रहा है। दो आरेख हुए। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्स अक्ष के समांतर आपको एक रेखा खींचनी है, कोई भी रेखा एक्स अक्ष के समांतर होनी चाहिए जो फलन के आरेख को यदि कम से कम दो बिंदु मतलब दो या दो से अधिक बिंदुओं पर काट जाए तो फलन कैसा होगा? बहुएकी। यदि वो सिर्फ एक ही जगह काटे तो फलन क्या होगा? एकेकी। देखो मैंने फोटो बनाया, ये रेखा खींची, कितनी जगह काट गई? एक दो तीन जगह, तीन जगह काटा मतलब फलन कैसा है? मैनी वन, बहुएकी। क्लियर है? यहां देखें कहीं भी खींचे बच्चों, कहीं भी एक अक्ष के समांतर रेखा लें आप, एक पॉइंट पे काटेगी सिर्फ ये एक पॉइंट पे काट रही है तो ये फलन जो होगा ये एकेकी होगा, मतलब वन वन फंक्शन। क्लियर है? एक पॉइंट पे काटे एकेकी, एक से अधिक पॉइंट पे काटे बहुएकी। देखो अब कंफ्यूज कहाँ हो जाएंगे आप, हम एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं क्या चेक करने के लिए? वन वन एकेकी चेक करने के लिए। और आप वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचते थे जब फंक्शन आपको चेक करना पड़ता था, कोई रिलेशन आपका फंक्शन है या नहीं तब आपको वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचनी होती थी। क्लियर है? एक्स अक्ष के समांतर खींच रहे हैं क्या चेक करने के लिए? एक एक ही चेक करने के लिए। दो से अधिक पॉइंटों पे काटता है, दो या दो से अधिक, फंक्शन बहुएकी, अन्यथा एक एक ही, एक ही पे काटे मतलब एक एक ही। क्लियर है? ये कैसे हुआ देखना आप, ये देखो मुझे तीन पॉइंट मिले, इसे एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री बोल रहा हूँ। हमें पता है एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू बराबर एफ ऑफ एक्स थ्री है, इस क्वेश्चन में दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है क्या? अगर ऐसा है तो ये भी तो बराबर आने चाहिए थे ना भाई, एक्स वन एक्स टू एक्स टू थ्री, पर हमें दिख रहा है एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू इज नॉट इक्वल टू एक्स थ्री, ये तीनों बराबर नहीं है, मतलब फंक्शन कैसा होगा? मैनी वन। बात समझ में आ रही होगी क्या आपको? ये आरेख का कंसेप्ट समझ में आया होगा, इस पे बेस्ट दो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं लेता हूँ। देखो आप क्या करना है आपको, फंक्शन मिलेगा आपको, ग्राफ बनाना मैं सिखा चुका हूँ, ग्राफ के बारे में कई सारी बातें हम कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, हर टाइप के फंक्शन का मैंने आपको ग्राफ सिखाया है। आप ग्राफ बनाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि फलन हमारा एकेकी होगा या बहुएकी। चलिए मैं लिख रहा हूँ फंक्शन, है ना भाई, मेरा फंक्शन एफ डिफाइन है मान लो आर से आर में, और मैंने फंक्शन को लिया है एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स लिया, इधर सेम
फंक्शन कोस एक्स को ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ, पर मैं जीरो से पाई उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और कोडोमेन तो हमने आर ही लिया है। इधर भी फंक्शन एफ एक्स को आप कोस एक्स ही लें, क्लियर है। आपको चेक करना है दोनों फंक्शन को वन वन है या मैनी वन। देखो ये फोटो बना रहा हूँ, कोस एक्स का फोटो, ऐसा ही कुछ दिखेगा आर से आर में। डोमेन भी रियल नंबर है, डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, तो फंक्शन का ग्राफ ऐसा आएगा। आप एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचे, कितने पॉइंट पे कट कर दिया, 1 2 3 4, ये आगे भी कट करता जाएगा, है ना भाई, तो कई सारे पॉइंट्स पे ये कट करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे, तो फंक्शन कैसे होगा, मैनी वन। अब देखो ये फंक्शन कैसा है, इसका डोमेन हमें दिया गया है कहाँ से, ये एक्स इक्वल टू जीरो से, इधर एक्स इक्वल टू पाई आएगा बच्चों। यहाँ देखो फोटो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ फोटो बनेगा क्या कोस का, ये जीरो से पाई में, क्लियर है। फोटो सिर्फ इतना सा है, इसका डोमेन मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बांध दिया है डोमेन को, बांध दिया है। अब देखें आप लाइन खींचे, कितने जगह लाइन काट रही है इसको, कहीं भी देखो आप, एक पॉइंट से ज्यादा कहीं भी नहीं काट रही है, मतलब फंक्शन वन वन होगा, फंक्शन वन वन होगा, क्लियर है क्या, ये कंसेप्ट है आपको, ये मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया। कई सारे क्वेश्चन हम करेंगे वन वन आइडेंटिफाई करने के लिए, मैनी वन आइडेंटिफाई करने के लिए, ये मेथड आपको समझ में आना चाहिए। तीसरा मेथड मैं दिखाता हूँ आपको, हेडिंग डालें, थर्ड मेथड यूजिंग मोनोटोनोसिटी, एक दृष्टता का उपयोग करके, एक दृष्टता का उपयोग करके। एक दृष्टता का उपयोग करके देखें भाई, आ जाए। चलिए मेथड थ्री, यूजिंग मोनोटोनोसिटी। मोनोटोनोसिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, मोनोटोनोसिटी क्या होता है। यदि देखो y इक्वल टू आपको एफ एक्स दिया गया है, y इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया है, आपने dy by dx कैलकुलेट किया और वो आता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, फलन के डोमेन में। ये देखो हमारा जो डिफरेंशिएशन है ना इस फंक्शन का dy by dx, वो कैसा आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्लियर है। और ये देखना, यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, समता विभिन्न बिंदुओं पर हो, मतलब ये जो इक्वलिटी होल्ड करेगी ना बच्चों, ये इक्वलिटी वो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे होनी चाहिए, डिस्क्रीट पॉइंट्स पे होनी चाहिए। ये इक्वलिटी जो आ रही है ये डिस्क्रीट पॉइंट्स पे आनी चाहिए, मतलब एक एक बिंदु पे ये डीवाई बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, है ना। स्पर्श रेखा का ढाल बिंदुओं पे जीरो होना चाहिए, किसी रेंज में जीरो नहीं हो, है ना, किसी पार्ट में जीरो नहीं होना चाहिए, भिन्न भिन्न बिंदुओं पे जीरो होना चाहिए। ये यहाँ पे कंडीशन दी गई है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, मतलब हमारा फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग, वर्धमान, फंक्शन कैसा होगा, वर्धमान, फंक्शन वर्धमान होगा, मतलब इसका फोटो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ इसका फोटो आएगा, ऐसा कुछ इसका अगर फोटो आपको मिलेगा तो देखो कितनी जगह काटेगा, एक ही जगह काटेगा क्या, एक ही जगह काटेगा क्या, ये बात समझ में आई होगी आपको। या फिर हो सकता है dy by dx हमेशा आपको लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, और ये कंडीशन यहाँ भी होगी, समानता जो है, समता जो है वो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे मिले। इधर फंक्शन कैसा होगा, हमेशा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगा, मतलब फोटो कैसा बनेगा, ये ऐसा कुछ आप बनाएंगे, ये बनाएंगे, कितनी जगह काटेगा, एक ही जगह काटेगा, एक ही जगह काटेगा, मतलब फंक्शन कैसा होगा, इधर भी वन वन, क्लियर है। फंक्शन इधर भी कैसा होगा, वन वन, बात समझ में आई क्या, ये बात क्लियर है आपको। अब देखो ये मैं आपको समझाता हूँ समानता वाला, दो फोटो ले रहा हूँ,
दो फोटो ले रहा हूँ, उनसे आप समझिएगा, है ना। दोनों फोटोओं को देख के आपको समझना है। चले देखो, एक फोटो मैंने बनाया ऐसा कुछ, और एक फोटो मैं ले रहा हूँ ये ऐसा कुछ। यहाँ फंक्शन कैसा दिख रहा है बच्चों? इंक्रीजिंग दिख रहा है क्या? यहाँ भी फंक्शन कैसा दिख रहा है? इंक्रीजिंग दिख रहा है। अब हमने बोला अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन कैसा है? 1-1। पर आपको ध्यान क्या देना था, आपकी जो समानता आ रही है ना बच्चों, इस पर रेखा का ढाल वो जीरो हो रहा है, वो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर होना चाहिए, वो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर होना चाहिए। पर यहाँ आप देखें, ये पॉइंट एक्स वन है और ये पॉइंट एक्स टू है। एक्स वन से एक्स टू तक यहाँ पे स्पर्श रेखा का ढाल इस पूरे रेंज में कैसा आ रहा है? जीरो आ रहा है। इस पूरी रेंज में जीरो आ रहा है। आप लाइन खींचते हैं एक्स अक्ष के समांतर, कितने बिंदुओं पे काट रही है? अनंत बिंदुओं पे। अनंत बिंदुओं पे काटा मतलब हमारा फंक्शन कैसा हुआ? कैसा हुआ फंक्शन? मैनी वन। यहाँ देखेंगे ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग है, पर देखो डी वाई बाई डी एक्स अगर जीरो आएगा तो वो एक बिंदु पे आएगा किसी पे। यहाँ पे ये फंक्शन कैसा हो गया? 1-1। दोनों में फर्क समझ में आया क्या? इंक्रीजिंग था पर फिर भी कैसा था? मैनी वन। इंक्रीजिंग था कैसा था? 1-1। आपने क्या चेक किया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी जो समानता आती है ना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, वो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर आनी चाहिए। कैसे? देखो एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, लेट से वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। आपने डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट किया, वो आया 3x square। क्या ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा? होगा जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा मतलब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होगा मैं बोलूँगा 1-1। अब यहाँ चेक करना है आपको सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स को जीरो रख के। तो यहाँ से x जीरो मिला, एक पॉइंट मिला मुझे, सिर्फ एक पॉइंट मिला। फोटो आप बनाएंगे एक्स क्यूब का, कैसा फोटो आता है? ये आता है यहाँ पे, ये जीरो होता है। देखो एक पॉइंट पे अगर जीरो था तो फंक्शन 1-1 हो गया। अगर ये रेंज में होता तो फंक्शन जैसा यहाँ हो रहा है, अगर ये रेंज में होता तो फंक्शन मैनी 1 हो जाता। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आई होगी आपको? लिखें फटाफट से, मैं इन पे क्वेश्चंस लेने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, ये चीज़ें और क्लियर होंगी आपको। क्लियर है? और ऑन टू और इन टू के लिए मैंने आपको दिखा दिया, आपको परिसर निकालना है। परिसर सहप्रांत के बराबर है, ऑन टू है। परिसर अगर सहप्रांत के बराबर नहीं है, फंक्शन कैसा है? इनटू। क्लियर? लिखें।